मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज आपके लिए मैं ढेर सारी इंटरेस्टिंग टिप्स लाई हूँ जो आपकी काफी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। हम जल्दी से बिना आपका टाइम ना वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से और आपकी प्रॉब्लम्स को करते हैं दूर। पैसे, संतान और आपकी प्रतिष्ठा से जुड़े तीन महा उपाय। रामायण की एक चौपाई पढ़ने से नौकरी का मिलना आसान हो जाएगा। कौन सी है वो खास चौपाई? आजकल घर घर में पाया जाता है एक दर्द, उस दर्द को दूर करने का आसान नुस्खा है मेरे पास। राशि के हिसाब से जानिए कि कल के दिन को हम कैसे करेंगे लकी और कल का लकी टाइम क्या है। टमाटर का फेस पैक और मिल्क का फेस पैक आपको बनाएगा खूबसूरत। शो की शुरुआत तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाती हूँ कि आपको कल क्या बताऊंगी। कल मैं आपको मुंह में छालों के देसी उपाय बताऊंगी। थोड़ी ही देर में मैं आपको गठिया के दर्द, जी हाँ जॉइंट्स प्रॉब्लम को कैसे करेंगे दूर, इसके देसी इलाज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले दो महा उपाय जानते हैं और एक महा उपाय शो के लास्ट में। अगर आपका मान सम्मान नहीं होता, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको पूछते नहीं है, ये उपाय कीजिए। आपका समाज में नाम हो सके इसके लिए आपको क्या करना है, रात को सोते समय सिरहाने तांबे के बर्तन में आप पानी भरकर सोएं, उसमें थोड़ा सा शहद डालकर कोई भी सोने या चांदी का सिक्का या अंगूठी डालकर सुबह उठकर भगवान को याद करते हुए इसके बाद सबसे पहले बिना कुल्ला किए आप इस पानी को पी लीजिए। जल्दी ही आपका यश मान सम्मान बढ़ने लगेगा। और क्या कर सकते हैं आप, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख लें। सुबह ये पानी घर के बाहर डाल दें। घर के बाहर डालने के बाद आप जब घर के बाहर इसको डालेंगे तो इससे आपके घर की प्रॉब्लम, बीमारी, वाद विवाद, बेइज्जती, जो आपके घर पर उल्टी सीधी बातें उठती हैं, ये सब की सब सॉल्व हो जाएंगी। एक और काम करें मान सम्मान बढ़ाने के लिए, आप क्या करें कि आप कबूतरों को, चिड़ियों को चावल और बाजरा मिलाकर डालें और शुक्रवार से ये खरीदें और शनिवार से डालना शुरू करें जब खत्म हो जाएंगी। एक और काम करें मान सम्मान बढ़ाने के लिए, आप क्या करें कि आप कबूतरों को, चिड़ियों को चावल और बाजरा मिलाकर डालें और शुक्रवार से ये खरीदें और शनिवार से डालना शुरू करें जब खत्म भी होने लगे। तो शुक्रवार को खरीदा और सैटरडे से डालना शुरू किया, आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा। पैसे के लिए आप कौन सा महा उपाय करें ये मैं आपको बताती हूँ। अपने घर में पूजा की जगह पर तिजोरी में हमेशा लाल कपड़ा बिछा कर रखें। शाम में अपनी वाइफ या अपने घर में कोई भी फीमेल, आपके घर की कोई भी फीमेल, आपकी वाइफ या अगर आप खुद फीमेल हैं, तो वहाँ पर 3 अगरबत्तियाँ या धूप बत्ती जरूर जलाएं। आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। इसके अलावा हर पूर्णिमा को नियम अनुसार साबुतदाने की खीर, उसमें मिश्री और केसर डालकर बनाएं और उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, भोग लगाएं और उसके बाद अपने घर में, मतलब सभी लोगों को खिलाएं, उसका भोग लगाएं, सब लोग मिलकर खाएं। इससे घर में सुख समृद्धि रहती है, प्रॉस्पेरिटी, पैसे, किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। आपके पास पत्री नहीं है, आपको पत्री देखनी नहीं आती, पर अगर आपको कोई ये बता दे कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ये कौन से ग्रह की वजह से है, तो आपको कितनी हैरानी होगी। और प्रॉब्लम बताने के साथ साथ उसको ठीक करने के उपाय भी बता दे तो कितना मजा आ जाएगा। इसी तरह एक ग्रह की बात मैं आपसे करने वाली हूँ बस कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले गठिया यानी कि जॉइंट्स प्रॉब्लम की जो पेन है इसकी बात करते हैं। जब भी आपको किसी तरीके की पेन हो तो आप एक डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी दवाइयाँ जरूर चालू रखें और उसके साथ में जो मैं आपको उपाय बताती हूँ वो आप कीजिए, तो आपको डबल फर्क महसूस होगा। आपको क्या करना है कि लहसुन की 10 कलियां लेनी है, 10 पीसेस गार्लिक के आपको लेने हैं, और 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम दूध में मिलाकर इसको पकाकर अच्छी तरह, इसको पका के मतलब इसको अच्छे से गर्म कर जब ये थोड़ा रह जाए तो इसको पीने से आपको दर्द में जल्दी आराम मिलता है। और क्या करें कि सुबह के समय सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने से जोड़ों के दर्द से आपको छुटकारा मिल जाता है। और भी कुछ कर सकते हैं कि एक चम्मच मेथी के जो बीज आते हैं जिसको मेथी दाना बोलते हैं, रोज रात को साफ पानी में आप उसको भिगो के रख दें, सुबह वो सॉफ्ट हो जाएंगे। सुबह उसको पानी के साथ निगल लें और साथ में मेथी अगर आप चबा कर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे भी आपको जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलता है।
चार राशियों की बात मैं बस करने ही वाली हूँ शुरुआत इसकी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की, यानी कि जुपिटर अगर वीक है कैसी परेशानियां आपको देता है और कैसे हम उन परेशानियों को कर सकते हैं दूर। अगर आपका जुपिटर कमजोर है तो आपको कफ की दिक्कत हो सकती है, पेट संबंधित दिक्कत हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, लिवर आपका एक्सपैंड हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है, इसके अलावा आपका अननेसेसरी फैट बढ़ने लगता है। ये सारी अगर परेशानियां आपको हैं तो क्या उपाय करने हैं ये जानते हैं। अगर बृहस्पति की दशा चल रही है तब भी आप वेल प्लेस नहीं है जुपिटर तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपको वीरवार के दिन 5 मोर के पंख लेने हैं। 5 मोर के पंख लेकर उसके नीचे पीले रंग का धागा बांध दीजिए, 5 मोर पंख के नीचे उसको थाली में लगा लीजिए। थाली में लगाने के बाद वहां पे सुपारी रख के आपको 21 बार गंगा जल को छिड़कना है। इसके बाद जिस मंत्र का जाप करना है वो मैं बता रही हूँ, इस मंत्र का जाप धीरे धीरे करिएगा। नमः जाय स्थापाय स्वाहा 11 केले के बृहस्पति देवता को अर्पित करते हुए 11 केले के पत्ते और 11 केले के फल वहां पे रखने हैं। बेसन का प्रसाद बनाकर चढ़ाना है, जिसे बेसन का लड्डू का प्रसाद ले सकते हैं। ये कर लेने भर से बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं। लगातार कुछ थर्सडेज ये करें, आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं का एक मंत्र बता रही हूँ, ओम ह्रीं क्लीं हूं बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप करें, जितना ज्यादा दिन भर में जाप करेंगे उतना ज्यादा अपनी परेशानियों से बीमारियों से निजात पाएंगे। सारी लड़कियां अपनी टेलीविजन की स्क्रीन से बिल्कुल साथ में बैठें, क्योंकि जल्दी मैं आपको एक बहुत स्पेशल फेस मास्क के बारे में बताऊंगी जो आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। लेकिन उससे पहले हम चार राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग कल लेदर आइटम से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खरीदें। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 8:58। वृष राशि वाले अगर वेजिटेरियन हैं तो बहुत अच्छी बात है, कल वेजिटेरियन ही खाना है, पर उड़द की दाल आपको कल नहीं खानी है। आपका लकी समय है कल सुबह 5:49। मिथुन राशि वाले आप कल अपने इम्प्लॉयज को या जो आपके अंडर काम करते हैं उनको पकौड़े और चाय जरूर खिलाए पिलाएं। आपका लकी समय रहेगा सुबह 5:30। कर्क राशि वाले लोग कल ग्रीन कलर को अवॉइड करें और किसी न किसी तरह से पिंक या पीच कलर का रुमाल या कोई कपड़ा अपने साथ जरूर रखें। आपका लकी समय है आज शाम 7:05। किस तरीके का मौसम चल रहा है, आपके हाथों को कितना ड्राई कर देता है ये मौसम। आपके हाथों की ड्राइनेस हम करेंगे दूर कुछ ही मिनटों में, लेकिन पहले आपके चेहरे को चमकाते हैं। चेहरे को गोरा बनाने के लिए ज्यादातर फीमेल जो है बाजारी क्रीम्स पर या मार्केट्स में मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर रिलाई करती है, लेकिन सोचिए तो सही कि कितनी प्योरिटी होती होगी उसमें। अगर आप वाकई अपनी स्किन को लाइट बनाना चाहती हैं तो जो तरीका आपको मैं बता रही हूँ वो ट्राई करके देखिए। टमाटर और बेसन का हम एक मास्क बनाएंगे। 2 चम्मच बेसन में 2-3 चम्मच टमाटर का जूस मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद आप इसको बिल्कुल पतला पेस्ट बना लेंगे, चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएंगे। लगाकर आप इसको रखेंगे और फिर अपने चेहरे को वॉश करेंगे और देखेंगे कुछ ही दिन इसके उपयोग से आपकी स्किन लाइट होने लगेगी। मिल्क पाउडर का भी एक फेस मास्क आप बना सकते हैं अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो। 1 चम्मच मिल्क पाउडर ले लें, यानी कि पाउडर वाला दूध लेना है। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस आप उसमें मिक्स करें। फिर इसे आप साफ चेहरे पर लगा लें, अपने नेक पर भी लगा सकते हैं। 10 मिनट्स बाद इसको वॉश कर लें। इससे भी आपकी स्किन में सपलनेस आएगी और नेचुरली आपकी स्किन फेयर होगी। आपकी अगर बहुत बड़ी परेशानी एक खास चौपाई से दूर हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, उतनी ही सरलता आपकी जिंदगी में मेरी लाने की पूरी कोशिश है। थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपकी रूखी हथेलियों पर बात करते हैं। चीनी के साथ आप अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल को और नींबू के रस को मिलाएं। इसे अपने पाम्स पर अच्छी तरह से मले तब तक जब तक चीनी जो है वो बिल्कुल डाइल्यूट ना होने लगे। ऐसा करने के बाद जब आप पानी से अपना हाथ धोएंगे तो आप हैरान होंगे कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से आप ऑलिव ऑयल और बादाम का तेल ये मिलाकर
इसमें एक विटामिन ई के कैप्सूल को मिलाकर अपनी स्किन पर, अपने फेस पर, अपने हाथ पर लगाते हैं तो आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, उसमें एक सपलनेस आती है और अंदर तक उसको मॉइस्चर, मुलायम त्वचा जिसको हम बोलते हैं वो बन जाती है। थोड़ी सी बात कल की भी कर लेनी चाहिए, है ना? तो कल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की पेंटिंग आपके घर में क्या कमाल लाती है। कल हम पेंटिंग्स पर थोड़ी चर्चा करेंगे, पोस्टर्स पर भी करेंगे और थोड़ी ही देर में राशियों की बात भी करेंगे। लेकिन पहले नौकरी पाने के लिए आप रामायण की कौन सी चौपाई करते हैं, करनी चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको रामायण की एक चौपाई बता रही हूँ जो आप तब करें अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है। चौपाई क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। इस चौपाई का आपको बार 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 जाप करना है ताकि आपकी नौकरी जल्दी लगे और वाकई ही लगेगी। धन संपत्ति पाने के लिए कौन सी चौपाई है लिख लीजिए। जे सकाम नर सुनहि जिब कावहि, सुख संपत्ति नाना विध पावहि। इस मंत्र का, इस चौपाई का, छोटी सी चौपाई है, इसका जाप कर आप जिंदगी में ढेर सारे सुख पा सकते हैं। अगर आपने कहीं कोई जमीन ले रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर घर कैसा बनना चाहिए, किस तरीके की जमीन पर घर बनना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन पहले चार राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग झूठ बोलने से बचें। आप कल अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। आपका लकी समय होगा आज शाम 4:14। कन्या राशि वाले लोग अपने घर में पुरानी और ना इस्तेमाल होने वाली चीजें, खास तौर पे घड़ियां, कल उनको बाहर निकालें या ठीक करने के लिए दें, नहीं तो मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। कन्या राशि वालों का लकी टाइम है आज शाम 5:51। तुला राशि वाले लोग कल अपने जूते और अपनी गाड़ी का ध्यान अपने कीमती गहनों से भी ज्यादा रखें, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। आपका लकी टाइम है शाम को 5:38। वृश्चिक राशि वाले लोग कल ना किसी से उपहार लें और ना कहीं किसी को उपहार दें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपका लकी समय होगा रात को 8:58। अब तक मैं आपको बालों की टिप्स बताती रही हूँ, इनको लंबा करने का, इनको घना करने का। अगर आपको बालों के लिए एक मुद्रा बताऊं तो कितना आसान हो जाएगा आपका काम, आपको बताने ही वाली हूँ। लेकिन पहले आपको वास्तु से और साथ में फेंग शुई से जुड़ी भी बहुत खास जानकारी मैंने देनी है। वास्तु में लोग परेशान हो जाते हैं किसी, क्योंकि घर में रहने के लिए सबसे पहले दिमाग लगाना पड़ता है कि जहां हमको घर बनाना है वो जमीन कैसी हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि जहां आपको घर बनाना है वो जमीन कैसी हो। आपको अपनी जगह का टेस्ट कैसे लेना है, आपको जो भी जगह पसंद आती है उसके सेंटर में एक हाथ लंबा करके और एक हाथ चौड़ा करके इस तरह से खड़ा हो जाना है। इतने ही लंबे गैप पर आपको एक गड्ढा खोद देना है। गड्ढा खोदने के बाद वहां से निकली हुई सारी मिट्टी को उसी गड्ढे में भर दें। अगर गड्ढा भरने से मिट्टी पूरी तरह से भर जाए, जितनी निकाली उतनी वापस डाली, तो वो जगह अच्छी है। अगर मिट्टी गड्ढे के बराबर हो, उतनी ही निकलती है जितनी वापस फिल करने पर हो, इक्वल हो जाए, तो ये जो ये जगह है ये मीडियम है। और अगर गड्ढे से मिट्टी कम निकलती है, यानी कि वापस भरने के बाद गड्ढा गड्ढा ही रह जाता है, तो ये भूमि आपके लिए अच्छी नहीं है। और भी कुछ कर सकते हैं आप चेक करने के लिए। आपको क्या करना है कि आपको सेंटर में गड्ढा खोद देना है, उसमें पानी भर देना है और उत्तर दिशा की ओर आपको 100 कदम चलना है, फिर लगभग लौट कर देखना है। अगर लौटने तक गड्ढे में उतना ही पानी रहता है तो जगह बहुत अच्छी है। अगर पानी कम हो जाता है, आधे से कम हो जाता है, तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। जैसे पानी का लेवल कम हो या इक्वल हो, उसी तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह आपको सुख और हेल्थ वाइज कितनी फलेगी। वास्तु की बात तो मैंने आपसे करी, अब कुछ फेंग शुई के भी चमत्कार वाले उपाय आपको बताती हूँ जो आपकी किस्मत को चमकाते हैं। आपके लिए सबसे पहला उपाय जो मैं लेकर आई हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि बैम्बू ट्री का इस्तेमाल करना है। बैम्बू आप देखेंगे कि इजीली आपको मिल जाते हैं, आजकल बाजार में मिलते हैं। बैम्बू आपके घर में, परिवार में खुशहाली लाता है, आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है। इसे आप ऐसी हम बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में रखें। आप इसके लिए कांच की बजाय मैं सजेस्ट करूंगी कि चीनी के प्लांट में लगाएं, इसको सीधा जमीन पे भी लगा सकते हैं।
इसको अगर अपने घर में नॉर्थ में या ईस्ट में रखते हैं, आपके घर पॉजिटिव ऊर्जा लाता है, आपके घर पॉजिटिविटी लाता है। इसी तरह से फेंगशुई ने एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला जिसको बोलते हैं विंड चाइम, यानी कि हवा से बचने वाली घंटियां। ये आप जहां पर भी लगाते हैं, आपका भाग्य आपसे जब रूठ जाता है, इसको लगाने से, हवा से जब ये बचती हैं, तो आपका भाग्य आपकी आपकी परेशानियों को दूर करता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं सोए हुए भाग्य को जगाने का तरीका। इसको घर के मेन दरवाजे पे भी लगाया जा सकता है, इसको बैल्कनीज में भी लगाया जा सकता है, ताकि नेचुरली हवा से या आते जाते लोगों से ये बजे, ताकि आपके घर प्रॉस्पेरिटी आ सके। सेंचुरी में एक और चीज है जिसको बोलते हैं टॉर्टोइस, यानी कि कछुआ। कछुआ घर में रखने से क्या होता है, कछुआ करीब 100 से 150 साल तक जी सकता है, यानी कि कछुआ अच्छी हेल्थ, लंबी उम्र का प्रतीक है। जब इस संकेत को आप अपने घर में पानी के भरे कटोरे में रखते हैं और वेस्ट में रखते हैं, तो ये आपके घर में लंबी उम्र लाता है, बीमारियों को दूर भगाता है, लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। लेकिन हाँ, जो कछुए की पूंछ है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए और कछुआ वेस्ट में होना चाहिए, तो ये आपके घर सुख शांति भी लाता है। इसी तरह से फेंगशुई में एक और चीज है जिसको बोलते हैं थ्री लेग्ड फ्रॉग, यानी कि तीन टांगों वाला मेंढक। तीन टांगों वाला मेंढक जो है, ये सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसके मुंह में यूजुअली आप देखेंगे एक सिक्का होता है। इसको घर में रखने से पैसा आता है, नॉर्थ में रखने से। आपके बाल आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपके बाल अगर डिफरेंट स्टाइल से कटे हों, हल्के हों, भारी हों, आपकी लुक चेंज कर देते हैं। उसी लुक पर हमने थोड़ा और काम किया है आप ही के लिए। आपको एक खास मुद्रा बताने जा रही हूँ जो आपके बालों को नेचुरली अंदरूनी तौर पर मजबूती देगा और साथ में आपके बालों को मजबूत, सुंदर और लंबा बनाने के लिए एक टिप भी लेकर आई हूँ। मुद्रा कैसे बनानी है ये समझिए। अपने लेग्स को फोल्ड कर पैरों को पीछे की ओर कर बैठे। इनहेल करते हुए आगे की ओर झुक जाएं, सिर और बाजुएं आगे जमीन पर बिल्कुल चिपका दें, टिका दें। जितना संभव हो सके उतना ज्यादा सांस को रोक सके, फिर उसके बाद नॉर्मल सांस लेते हुए धीरे धीरे उठ जाएं। ऐसा करना है आपको दिन में 5-6 बार। इस मुद्रा को करने से आपके सिर, आपके स्कैल्प पे पूरा ब्लड रोटेशन आता है, ब्लड फ्लो स्ट्रांग होता है, आपकी हेयर ग्रोथ नेचुरली अच्छी, और हम बोलते हैं जिसको बालों को पोस्ट। 5-6 बार इस मुद्रा को करने से आपके सिर, आपके स्कैल्प पे पूरा ब्लड रोटेशन आता है, ब्लड फ्लो स्ट्रांग होता है, आपकी हेयर ग्रोथ नेचुरली अच्छी, और हम बोलते हैं जिसको बालों को पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलती है, वो इस मुद्रा से मिलती है। मुद्रा तो आपने कर ली, लेकिन साथ में कुछ और भी एक्शन करते हैं। बालों को लंबा घना बनाने के लिए, नेचुरली डार्क करने के लिए गुड़हल के फूलों का रस निकालकर सिर में डालने से बाल बढ़ने लगते हैं। गुड़हल के ताजे फूलों का रस आप ऑलिव ऑयल में मिलाकर, इक्वल क्वांटिटी का मिलाकर आग पर पका लीजिए। जब ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ये आधा रह जाए, तो इसे शीशी में भरकर रख लें। रोज नहाने के बाद या नहाने से पहले इसे बालों की जड़ में लगाएं, रात को सोते हुए लगाएं, और अच्छा है। इससे आपके बाल शाइन करते हैं, आपके बाल लंबे होते हैं और हेयर फॉल बंद हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बात हमें बीच में कल की भी करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कल मैं आपको शुक्र ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताऊंगी, बीमारियां बताऊंगी और उनको ठीक करने के उपाय भी बताऊंगी। ये तो हम कल बात करेंगे, लेकिन अभी आपकी राशियों को जानने का समय हो गया है। धनु राशि वाले अगर अल्कोहल लेते हैं या कोई भी नशीली चीज लेते हैं, चाहे जर्दा, तंबाकू या जो भी अगर आप लेते हैं, कल के दिन इसको लेने से बचना होगा आपका, नहीं तो काम में अड़चने आएंगी। लकी समय रहेगा कल दोपहर 2:23। मकर राशि वाले लोग कल सूर्यास्त के बाद सफेद खाने पीने की चीज को अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों का लकी समय क्या रहेगा ध्यान से लिख लीजिए। आप लोगों का लकी समय रहेगा कल दोपहर 1:29। कुंभ राशि वाले लोग कल किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे और आपका लकी समय रहेगा दोपहर 1:10। मीन राशि वाले लोग कल मछलियों को दाना डालें। अगर आपके आसपास कोई पॉन्ड या कोई रिवर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चींटियों को कुछ खाने के लिए डालें, आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 2:05।
तीसरा महा उपाय जो कि आपके घर में गुल्लाएगा किलकारियां, आपके घर में गूंजेगी खुशियां, वो बताने वाली हूँ आपको। लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे हमारी बातचीत होती है। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानियां, सवाल, कंप्लीट बर्थ डिटेल्स के साथ हमें इस पे लिखकर भेज सकते हैं 150 वर्ड्स के अंदर। आप अपने सुझाव, कौन सी चीज दोबारा सुनना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या परेशानियां हैं, क्या हमें आपकी सोच के हिसाब से केटर करना चाहिए, अपनी सारी सुझाव और दिल की बात आप हमें लिख के भेज सकते हैं। आज हम दिल्ली से रोहिणी गुप्ता का सवाल लेंगे। उनके हस्बैंड को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस लो है, इसीलिए काम बहुत अच्छा नहीं कर पाते। चाहती हैं कि पूछना कि सब कब तक ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। रोहिणी, आप अपने हस्बैंड के हाथ में इस तरीके का एक छल्ला पहनाएं जिसमें सिल्वर, बीच में गोल्ड और लास्ट में कॉपर है। ये एक कॉइल है, इसमें कहीं पे भी जॉइंट नहीं है। सिल्वर साइड ऊपर रख के हमेशा उनके राइट हैंड के थंब में आप ये छल्ला पहना कर रखें। अपने हस्बैंड को बोलें कि अपने घर में नॉर्थ में बुध यंत्र लगाए, मरकरी बुध यंत्र लगवाना है सिल्वर का। आपके हस्बैंड की स्टैमरिंग की प्रॉब्लम और आपके काम में बेहतरी हो जाएगी। अब हम जानेंगे तीसरा महा उपाय। संतान की प्राप्ति के लिए आप कुछ खास उपाय हैं जो कर सकते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों शुक्रवार का व्रत रखें, फ्राइडे का फास्ट रखना है। इस दिन पीले कपड़े अगर आप पहनते हैं, पीली चीजों का अगर आप सेवन करते हैं, खाते हैं, दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा संतान सुख के लिए आप फीमेल को कहें कि गेहूं के आटे की दो रोटी का वो पेड़ा बना दे, उसमें भीगी हुई चने की दाल डाले, थोड़ा सा घी मिलाकर आप उसको नियम से गाय को खिलाएं। इससे भी आपके घर खुशियां आती है। जल्दी ही ऐसा करने से, विश्वास के साथ करने से ईश्वर आपकी गोद भरेगा। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में बरगद के पत्ते आपको लाकर धोकर साफ कर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर और साथ में उस पर थोड़े से चावल और एक सुपारी रखकर सूर्यास्त से पहले मंदिर में जाकर अर्पित करने से भगवान आपकी पुकार सुन लेते हैं और आपको खुशियों का वरदान दे देते हैं। जानते हैं संतान प्राप्ति के लिए एक और उपाय। किसी भी थर्सडे को, वैसे तो शुक्ल पक्ष के थर्सडे करें तो अच्छा है, पीले धागे में पीली कौड़ी को बांध देंगे, उसके बाद इसको कमर में बांधेंगे। इससे भी बंधे रहने दें, इससे भी संतान प्राप्ति का योग प्रबल होता है। वक्त हो गया है मेरे जाने का, जाते जाते कल की बात करते हैं। कल मैं आपको पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ खास और अचूक टोटके बताने वाली हूँ। इसके अलावा आपके घर में कुछ मैजिकल पेंटिंग्स की बात करेंगे, आपके घर में जादू लेकर आएंगे, साथ में आपके मुंह के छालों को ठीक करने के देसी इलाज भी बताएंगे, आपकी राशि के हिसाब से आपके दिन को करेंगे बेहतर और साथ में आपको खूबसूरत बनाने वाली ढेर सारी ब्यूटी टिप्स। तीन महा उपाय भी आपका इंतजार करेंगे, ढेर सारी जानकारी। और कल इसी वक्त मैं आपका फिर इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।